हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं भगवा झंडा फहराया गया। पत्रकार बोले, टीवी पर बहस इनकी राष्ट्रभक्ति पर होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में शामिल होने संघ मुख्यालय नागपुर पहुंच चुके हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ हेडगेवार भवन गए थे। हेडगेवार भवन से निकलते हुए प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक के बी हेडगेवार की तारीफ करते हुए विजिटर बुक में लिखा कि वो भारत माता के महान सपूत थे। संघ मुख्यालय पहुंचने के बाद कार्यक्रम स्थल पर संघ ने अपना भगवा झंडा फहराया, साथ ही संघ गीत भी गाया। इस दौरान प्रणब मुखर्जी सावधान की मुद्रा में खड़े दिखे। वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने सावधान मुद्रा में खड़े प्रणब मुखर्जी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दिस इज हिलेरियस। स्वाति चतुर्वेदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आज तक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने लिखा, क्या उन्होंने राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम गाया? ये बहस करने के लिए बड़ी स्टोरी हो सकती है अगर उन्होंने नहीं गाया तो। आरएसएस के कार्यक्रम में तिरंगा और राष्ट्रगान की कमी खली। यूजर्स बोले, ये है आरएसएस का असली चेहरा। आज पूरे देश की नजर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर रही। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। वो थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में आरएसएस की परेड निकली। कार्यक्रम की शुरुआत भंगवा झंडे को फहरा कर की गई, जबकि ज्यादातर संस्थाओं के कार्यक्रमों में तिरंगा फहराया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम में राष्ट्रगान भी सुनने को नहीं मिला। आरएसएस के कार्यक्रम में तिरंगे और राष्ट्रगान की कमी को सोशल मीडिया पर भी महसूस किया गया। यूजर्स ने इसको लेकर आरएसएस पर तीखे वार किए। पत्रकार साक्षी जोशी ने कहा कि इससे मुझे याद आ गया कि आरएसएस उनमें से एक है जिसने तिरंगे का विरोध किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भगवा झंडा फहराया गया, हमारा भारतीय झंडा कहीं नहीं था। इसने मुझे उस तथ्य की याद दिला दी कि कैसे आरएसएस उनमें से एक थी जिसने तिरंगे का विरोध किया था। ये कैसा राष्ट्रवाद है। बता दें कि आरएसएस ने पहले भी तिरंगे का विरोध किया है। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा था कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में आरएसएस ने अपने आप को बदला है। आरएसएस के मंच पर पूर्व राष्ट्रपति की पाठशाला। कांग्रेस ने कहा, आज आरएसएस को प्रणब दा ने आईना दिखा दिया। आज पूरे देश की नजर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर इसलिए रही क्योंकि वहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। आरएसएस के मंच पर प्रणब का पहुंचना सबके लिए चौंकाने वाला था। मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि इस मंच से प्रणब दा क्या बोलेंगे। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब सारे कयासों पर पूर्ण विराम लग गया। प्रणब दा आरएसएस के मंच से राष्ट्र, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और विविधता पर अपने विचार रखने आए थे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति समझाने आया हूँ। भारत दुनिया का पहला राज्य है और इसके संविधान में आस्था ही असली देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम विविधता में एकता को देखते हैं। हमारी सबकी एक ही पहचान भारतीयता है। पूर्व राष्ट्रपति के इस बयान की कांग्रेस ने जमकर तारीफ की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, आज प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस को उसी के मुख्यालय पर आईना दिखा दिया। उन्होंने आरएसएस के मंच पर विविधता और सहिष्णुता की बात की है। बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 707 स्वयंसेवक वहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक बोले, पार्टी को मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं का विकास करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी विधायक बसाना गौड़ा पाटिल यातनाल ने इलाके के पार्षदों को निर्देश देते हुए कहा कि वो हिंदुओं के लिए काम करें, ना कि मुसलमानों के लिए। बीजेपी विधायक ने इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कर्नाटक के बाजीपुर से विधायक बसाना गौड़ा ने सोमवार को बाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदुओं ने मुझे जिताया है, मैं हिंदू समुदाय के विकास के लिए काम करूंगा, ना कि मुसलमानों के लिए। साथ ही बीजेपी विधायक ने पार्षदों से कहा कि वो बुर्का पहनी महिलाओं और दाढ़ी टोपी वाले पुरुषों को ऑफिस के करीब ना आने दें। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुरुवार को जब बीजेपी विधायक से इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों के विकास के लिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हुए थे। इसके साथ ही मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि मीडिया हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सवाल नहीं करती, जबकि मुझ जैसे हिंदू से सवाल पूछे जाते हैं। बता दें कि बसाना गौड़ा वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने ट्विटर पर मिल रही धमकियों के मद्देनजर कहा कि अगर उन्हें और उनके परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए मोदी सरकार और बीजेपी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही। न्यूज सेंट्रल 24/7 को दिए गए इंटरव्यू में बरखा दत्त ने कहा कि मुझे बीजेपी नेताओं ने धमकी दी है कि मैं नया प्रोजेक्ट शुरू ना करूं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो वो मुझे बदनाम करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे सलाह दी गई है कि मैं अपना घर डीबग कर दूं और निजी सुरक्षा किराए पर ले लूं। बरखा दत्त ने बताया, जब से मैंने एनडीटीवी छोड़ा प्रमोटर्स मुझे काम की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन कई प्रमोटर्स आखिरी मौके पर ये कहते हुए पीछे हट गए कि बीजेपी आपके पीछे पड़ी है और हमें आपके साथ काम नहीं करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। दत्त ने कहा कि मैंने इस बात का खुलासा अब तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं खुद कहानी नहीं बनना चाहती थी। मैं आज तक इस बात का खुलासा इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे एक दोस्त के जरिए मैसेज मिला कि मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं उसे छोड़ देना चाहिए। मैं और मेरा परिवार पहले से ही निगरानी में है। मुझे काम करने से रोकने के लिए सब कुछ किया जाएगा जिसमें उसे और उसके साथ परिवार को झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। दत्त ने दावा किया कि वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से उनसे कहा कि आप ये मत करिए, हम ये होने नहीं देंगे। वहीं धमकियों के संबंध में बरखा दत्त ने आज कई ट्वीट्स भी किए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाए ताकि आपको हमारे नए वीडियोज के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।